क्वेटा से खबर है, जहां चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने अहम इजलास तलब कर लिया है। सानहा क्वेटा और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जानते हैं मुजीबुल्ला से। मुजीब, बताइएगा इजलास में क्या फैसले मतवक्के हैं? हाँ जी बिल्कुल, सभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने अब से कुछ देर बाद जो है वो आला सतह इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सेक्रेटरी सेहत, एसएसपी ऑपरेशन, सीसीपीओ क्वेटा, आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और इसके साथ साथ जो एमएस है सिविल हॉस्पिटल के वो भी शरीक होंगे। इसके साथ साथ जो अहम शख्सियात हैं उसके भी आने के चांसेस हैं यहाँ पर। इजलास में सबको तलब कर लिया गया है। थोड़ी देर बाद जो है वो इजलास शुरू हो जाएगा। इजलास में जो है वो चीफ जस्टिस और पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली को अमन अमान के मजमू तौर पर सूरतेहाल के हवाले से और जो दो दिन कबल जो ब्लास्ट हुआ था सिविल हॉस्पिटल में जो सानिया क्वेटा कहलाता है उस पर जो है ना वो मजमू तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में जो है वो अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। अब वो तमाम फैसले जो है ना वो कहना वो कबल वक्त होगा, लेकिन उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी और मजमू तौर पर अमन अमान के सूरतेहाल से उन्हें आगाह किया जाएगा। जी मुजीबुल्ला, शुक्रिया।